नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु की इस वीडियो में मैं आपको दिवाली का दूसरा गिफ्ट दे रहा हूं। ये मैं आपको स्टॉक के रूप में ये गिफ्ट दे रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस शेयर को जरूर खरीदें और इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो शेयर आज मैं आपको एज ए दिवाली गिफ्ट दूंगा वो आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। मुझे ये लगता है कि ये एक साल में आपको कम से कम नहीं भी तो 30-50% तक का रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में मैं वीडियो को बताऊंगा कि आपको इस शेयर में कहां स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आपके टारगेट क्या होने चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एक्युमुलेशन जोन क्या होने चाहिए। और क्योंकि आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको इसके सारी चीजें पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूं वो है गैन्यूल्स इंडिया। गैन्यूल्स इंडिया को मैंने इसलिए चुना है कि ये कंपनी जो है वो फार्मा सेक्टर में है और मुझे लगता है कि पिछले एक साल में कम फार्मा सेक्टर ने आउट परफॉर्म नहीं किया है। अगर रिसेशन आता है तो मैं बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा फायदे में दो ही सेक्टर रहेंगे वो होगा फार्मा सेक्टर और दूसरा होगा आईटी सेक्टर। और ये मार्केट को गिरते समय में भी आउट परफॉर्म करेंगे, पर मुझे लगता है ये शेयर ने 2010 से लेकर 2000 अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि ये इसके जो प्रमोटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं और मुझे लगता है ये शेयर इसके जो प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर बनने के काबिल है। और मुझे ये भी लगता है कि आने वाले एक साल में ये शेयर बहुत, जैसे कि कंपनी काम करती है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है और ये गैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विद प्रेजेंस अक्रॉस द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन इंक्लूडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APAIS फार्माकेटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट PFIS एंड द फिनिश्ड डोसेज। द कंपनी बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूडिंग तीन तरह की बिजनेस करती है, कोर बिजनेस जो है, इमर्जिंग बिजनेस है एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के काम करती है। इट्स प्रोडक्ट इन कोर बिजनेस इंक्लूड, इसके जो कोर बिजनेस में जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स, एब्यूप्रोफिन, फिर गुआफेनिसिन एंड मेटफॉर्मिन, ये जो है ये इसके केमिकल्स हैं जो ये इस्तेमाल करती है। द कंपनी ऑपरेट अ हेल्थ केयर डिविजन गैन्यूल्स consumer healthcare. The company through an equitism has access to a 10 APIS as well as immediate in the therapeutic categories such as antihistaminic, antihypertensive and anticonvulsant जो है ये इसके अलग अलग तरह के बहुत अलग अलग तरह के chemicals बनाती है। The company has PFI product include compresso PAP 97S, Compresso PAP 90 CPC and paracetamols caffeinine combo 77.4. The company FDS include paracetamol, acetaminophen and acetaminophen and methocarbamol. नाम की कंपनी जो है वो केमिकल्स बनाती है, दवा बनाती है, इन सब की जो कंपनी है, ये कंपनी जो है इन सब की दवा बनाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कंपनी जो है इसका जो बिजनेस है, इसके जो दवा की जो कंपनियां हैं उसमें जो सिलेक्टिव दवा हैं जो बुखार से हैं, डिप्रेशन से हैं, ऐसे अलग अलग बीमारियों की दवा बनाती है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये कंपनी का प्रोफाइल लगता है, इसके जैसे प्रमोटर्स हैं, मुझे लगता है ये आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। मैं इसके प्रमोटर से काफी प्रभावित हूं और मुझे लगता है कि अगर यही प्रमोटर इनमें बने रहे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक होगा और आने वाले समय में ये आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा कि इस शेयर में जरूर थोड़ा ना थोड़ा निवेश करें, क्योंकि अभी ये 125 रुपए चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के अंत में आपको टेक्निकल एक्युमुलेशन जोन, स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए और
टारगेट्स क्या होने चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, ये बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको टेक्निकल्स की जानकारी देता हूं। अगर आपको इसको ट्रेडिंग करनी है तो आप इसमें 121 का स्टॉप लॉस लगाएं, आपका टारगेट होना चाहिए 128 का। अगर वो पूरा होता है तो आपको आने वाले समय में ये 132 और फिर 135 आता हुआ दिखाई देगा, जो यहाँ से कम 7-8% ये आपको एक महीने में टारगेट आते हुए अचीव होते हुए दिखाई देंगे। पर अगर आप इसमें रहना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको जो लेवल्स बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से ध्यान में रखिए। आप इसमें 118 का स्टॉप लॉस लगाएं और अगर ये 118 के स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से अगर ये आपको 118 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, आपको जो पहला टारगेट होना चाहिए वो N35 का होना चाहिए, दूसरा टारगेट होना चाहिए 145 का होना चाहिए, तीसरा टारगेट होना चाहिए 162 का। ये आपको 6-9 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। मैं इस शेयर पे इतना बुलिश हूँ कि आने वाले समय में जिस हिसाब से ये कंपनी ने 95-96 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा कि इस शेयर में जरूर निवेश करें, क्योंकि ये कंपनी जो है फार्मा सेक्टर की सबसे मल्टीबैगर शेयर हो सकता है। तो मेरा जो आने वाले ₹400 का टारगेट जो है वो आने वाले 3-5 साल के बीच में आता हुआ दिखाई देगा और ये आराम से आएगा। इसलिए मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा कि इस शेयर में समय समय पे निवेश करें और अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, ताकि आपके जो पैसे हैं वो ज्यादा मल्टीप्लाई है। और आने वाला 6-9 महीने तक इस इंडिया में पेन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए मार्केट की मंदी का फायदा उठाएं और इसमें निवेश करें, क्योंकि मार्केट गुरु का कहना है, क्योंकि एक शेयर आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।